हमारी तमाम वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, द ग्रैंड टूर हमारा चल रहा है और इस ग्रैंड टूर की एक इंतहाई अहम लड़ी इस वक्त हम बैठे हुए हैं समड़ियाल में, और समड़ियाल के एक ऐसे उस्ताद के पास हैं कि जिन्होंने बुलंदियों को इस कदर हद तक छुआ है कि शायद कि अभी तक इस बुलंदी तक और कोई प्लेयर ना जा सका है और ना ही शायद जाए। लेकिन चूँकि ये एक मेहनत है कबूतर परवरी, कोई इसमें प्रेडिक्शन नहीं है किसी भी तरह की। और मैं आपको बताता चलूं कि जिस उस्ताद के पास हम बैठे हुए हैं ये भी एक अनप्रेडिक्टिव उस्ताद हैं, कुछ पता नहीं चलता। एकदम से इन्होंने जो है स्टार्ट लिया और एकदम बूस्ट जिस तरह इन्होंने किया और बुलंदियों तक गए और पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अपने नाम का डंका बजाया और मुकम्मल तौर पर लोगों को बताया कि समड़ियाल में भी एक ऐसा उस्ताद मौजूद है जो कि मुकम्मल तौर पर कबूतर परवरी को समझता है, जानता है, पहचानता है। उड़ाने के हद तक अगर बात करें तो बहुत से रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो उस्ताद मोहतरम के नाम हुए और अभी तक कई रिकॉर्ड्स चलते ही आ रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखा जाए तो उस्ताद जी की अपनी छत से भी और इनके शागिर्दों की छत से भी किसी ना किसी तरीके से क्रेडिट इन तक ज़रूर पहुंचता है और ये इनकी तमाम मेहनत का सिला है। जबकि अगर ब्रीडिंग की बात की जाए तो ब्रीडिंग में भी बहुत से बड़े बड़े हमने उस्ताद देखे, जिनमें उस्ताद मियां नज़ीर साहब हैं और मिस्त्री साहब हैं और बहुत से असातज़े कराम हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ब्रीड्स बनाई। लेकिन उन ब्रीड्स के बाद ऐसा नहीं लगता था कि अब कोई आगे मज़ीद ब्रीड की ज़रूरत है या कोई ब्रीड आगे आ सकती है जो इन ब्रीड्स का मुकाबला करे। उस वक्त में दो असातज़ा कराम आए और उन्होंने दो ब्रीड्स को जो है बनाया और बड़ा ही ज़बरदस्त उनसे काम लिया और दोनों का नाम जो है इस वक्त दुनिया में डंके की चोट पे लिया जाता है, जिनमें एक शर्मीले कबूतर और दूसरा उस्ताद प्रोफेसर बकीत साहब वाले फ़कीर गुल कबूतर। ये दोनों ब्रीड जो हैं एक ही उस्ताद के दो शागिर्दों के हाथों की बनी हुई हैं और उनमें से एक उस्ताद इस वक्त हमारे साथ हैं। अगर हम ये कहें कि ये दोनों उस्ताद एक दूसरे की छवि हैं, एक दूसरे की परछाई हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगी ये बात, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं, इतने रिजेंबल करते हैं अपनी कबूतर परवरी में कि मैं कहता हूँ कि शायद ही पाकिस्तान में कोई और उस्ताद इस तरह से एक दूसरे से रिजेंबल करते हों। मज़ीद बात को लंबा नहीं करूँगा, डायरेक्ट उनकी तरफ जाता हूँ। और आप सब लोग जानते हैं हमारी जानी पहचानी हस्ती, हर दिल अजीज, उस्ताद चौधरी मुईन नवाज़ घुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह के शुक्र, आप सुनाए उस्ताद जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी, एक बेसिक सवाल जो द ग्रैंड टूर में हम लेकर चल रहे हैं वो ये कि इब्तदा से लेकर इंतहा तक हमने लेना है, पूछना है आपसे, तो इब्तदा कहाँ से हुई थी कबूतरबाजी? इब्तदा नहीं होती है कबूतरबाजी, असल एक जुनून है, शौक है, ये कुदरती होता है। इब्तदा पता जो है ना, बचपन से जब से हमने होश संभाल लिया तो फिर वो कबूतरों का एक दिल में प्यार, दिल में शौक, वो जो है ना वो शुरू से ही है। तो शुरू से कबूतरबाज वो ही होता है जो जिन्होंने नाम कमाया ना, जो बचपन से मतलब जिनको शौक होता है वो ही आगे ग्रोथ करते हैं और वो ही आगे कामयाबियाँ हासिल करते हैं, क्योंकि वो उनको जुनून की हद तक प्यार होता है और जुनून की हद तक मेहनत करते हैं। जैसे भी आप देख लें आगे पीछे भी, जिसको भी बचपन से शौक़ है वो उनके ही नाम है ऐसे ही। तो सर जी, उसके बाद जब आपका शौक़ प्रॉपर बचपन के बाद शुरू हुआ तो उस्ताद रज़ाक मरहूम तक पहुँचते पहुँचते कितना वक्त लगा और क्या कामयाबियाँ उससे पहले शुरू हो गई थी कि उसके पहले बाद? अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी थी, जब हम लड़कपन पे आए, थोड़ा जवानी में आए तो सियालकोट कॉलेज में भी पढ़ते थे, उधर भी फिर वो
इतना अवेयरनेस नहीं थी लोगों से, मतलब जान पहचान नहीं थी। तो पढ़ाई के दौरान भी जब भी कॉलेज से छुट्टी होनी, पसूरियाँ ना अड्डा जो ना गढ़ होता था सियालकोट कबूतर पर, तो जितने भी वो शौकीन होते थे ना सारे उधर ही जमा रहते थे। वो बादियाँ जब उड़ती थी फिर भी इधर की रिपोर्ट आ रही है, सब छतों की रिपोर्ट ना उधर। उस टाइम साइकिल का दौर था, कोई इधर से साइकिल पर रिपोर्ट दे के आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, पर बंदा उधर देख के पर मौजूद होता है कि फलाने कितने बजे बैठे हुए बैठ के, मतलब सारा मतलब ना उधर जैसे स्टेशन होता है कि जगह चीज़ का जी। वो गढ़ था एक, तो उधर से हमने वो उस्तादों में बैठते थे बस। वो फिर आस्था इधर से जब शौक था, पर जब थोड़ा बंदा बाजियों की तरफ जाता है ना फिर वो उसको उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फिर वो दफ़ की भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब तक आपके कबूतर परवरी में दफ़ ना हो, पार्टी ना हो, फिर वो बंदा जो है ना अधूरा रहता है। उस्ताद जी, उस्ताद रजाक का ही आपने क्यों चुनाव किया कि यही एक अच्छे और उस दौरान जो था ना जब हम जाने में थे उस टाइम उनकी बाजियाँ भी उठती थी और वो गुजरात पिंडी कराची भी हर जगह मतलब हर शहर में कबूतर उड़ाते थे वो, और अलहमदुल्ला उन्होंने अच्छे कबूतर उड़ा के लोगों को दिखाया हुआ था। और वो उनका एक मकाम था, एक नाम था, अभी भी है माशाल्लाह। उस्ताद मुइन नवाज सियालकोट तक तो शायद उस वक्त में भी जब आपकी कामयाबियां चलती रहीं, उस्ताद रजाक के साथ भी आप ऑब्वियसली गए या फिर वहाँ बैठते रहे तो आपको जानते होंगे, सियालकोट के बाद कब से लोगों ने जानना शुरू किया कि यार संबड़ियाल सियालकोट से एक ऐसा उस्ताद है जो पूरा कामिल है अपनी कबूतरबाजी पर? पहले हम ना अपना शौक जो करते थे संबड़ियाल तहसील मतलब मंदरावाल डस्का हो गया, सियालकोट संबड़ियाल हो गया, बपाला, इधर बादियाँ ज़्यादा हमारी लगती थी। फिर आस्ता आस्ता हम उनको सियालकोट का रुजू किया, सियालकोट में फिर वो थोड़ा बहुत ना कपों में एंट्री नहीं देते थे, वो कहते नहीं चाहो, फिर वो खैर थोड़ा टाइम लगा वो फिर एंट्री उंट्री भी होने लगा। वो जो मेन कमेटी उसमें एंट्री नहीं देते, मेन नहीं थे वो, बाहर नहीं निकलते थे ना अपने यहाँ दूर से, शहर से बाहर नहीं, शहर कहते हैं ना कमेटी की तो होता कि रहना, हमने बाहर नहीं जाना, आप थोड़ा दूर है। तो फिर आस्ता आस्ता उन्होंने कहा चलो, हमने उनको एग्री कर लिया, फिर कपों में भी शामिल हुए, बाजियाँ भी उस्ताद हमजा साहब से शुरू हो गई। उसके बाद काफ़ी कामयाबियाँ समय सियालकोट में भी, कार जो पहली अमजद साहब ने उड़ाई थी अलहमदुल्ला वो विन की थी, फाइनल में सात कबूतरों ने 86 घंटे 5 मिनट बनाए थे अलहमदुल्ला, वो भी एक यादगार उड़ान थी। कुदरती होता है कि जब अल्लाह ताला कामयाबी देता है ना तो वो कुदरत काम सीधे करती है, खुद ब खुद ही। दूसरी फिर तो मैं हमारे सातों के सातों कबूतर 1:45 बजे बैठ गए इकट्ठे, अच्छा। थोड़ा रिलीफ भी मिल गया उनको, अपना अगली पोजीशन में आ गए कि अब उनकी मतलब अगली उड़ान में उनकी पोजीशन जो थी ना वो जानी थी शाम तक। बिल्कुल सही। तो संभाल समूह जब अल्लाह ने किया तो वो पहले शाम तक 86 घंटे पर बनाए उन्होंने जेठ की, वो आम एक प्रवाह थी, वो लोग बैठे थे शौकीन, रात 4 बज गए, लोग कहते हैं उस्ताद जी इतना मौसम भी लगा हुआ है, आपके कबूतर तो नज़र नहीं आ रहे, किधर आने हैं, हम जाएं? मैंने कहा नहीं यार बैठो, आ जाते हैं, कबूतर तो हमारे बड़े पक्के हैं, जाते कि रखे आएंगे इंशाल्लाह। मेरे एक साथ 4:35 पे आके बैठा है, तो दूसरे भी आस्ता आस्ता ऊपर से जोड़ा जोड़ा करके निकला, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए। उसके बाद फिर थोड़ा हमको ना हम चेक करते रहते थे, मतलब लाहौर वाले जो थे जब रीछ वगैरह उठता था उनका मियाँ नदीम बशीर साहब का चौधरी सगी साहब पार्टी के जी जी। तो हम उनके साथ ना अपनी एवरेज मैच करते थे, अच्छा, कि उनके कितने उड़ रहे हैं हमारे कितने उड़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी हमारे ना उनके लेवल पे कबूतर उड़ते थे, तो हमने शौक था कि हम उनसे भी शौक करें, क्योंकि बड़े जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं जिनका नाम होता है उनसे पर शौक करें तो फिर दुनिया में बंदे को पता चलता है। बिल्कुल ऐसे। तो उनसे ये सन भी बताइएगा कौन सा था जब पहली दफा, जब बादी चौरी सगी साहब से लगी है उस टाइम 5-6 की बात है, अच्छा 2005-6 में ये दौर था,
चार में तो हमने सियालकोट वाली कार भी नहीं ली थी। तो उसके बाद ये दौर था, फिर वो उनसे भी आस्था लाहौर बहुत जाते थे। हर मतलब हर कबूतर बाद के जो बड़े बड़े आर के शौक किया हुआ देखे हुए हम उस वक्त टॉप लेवल पे था। लाहौर भी बहुत हम घूमे, तो कबूतर भी सारे का हमको पता है किसके पास क्या है, किसके पास क्या है, किनकी नेचर क्या है, नफ्सियात क्या है, कैसे इनका इससे काम लेना है। हर कबूतर की नफ्सियात को समझते हैं हम, जिस जिस उस्ताद के कबूतर हैं ना उनकी नफ्सियात भी समझते हैं कि ये क्या करते हैं। हमने तजर्बे करके देखे हुए हैं उड़ा के। तो उसके बाद फिर चौधरी साहब से वो बादी सरलाई चला की, वो चौधरी मुबशर साहब ने लगाई थी। अच्छा, मैंने तो डायरेक्ट उनसे नहीं था, इन्होंने कहा कि इधर तो फिर वो ड्राइवर हमारे रीफ हैं, हम मेन हमारे बड़े भाई भी हैं, रीफ भी हैं, बस वो कहते हैं मैंने बाजी लगा दी आपकी पिंडी में तरलाई में। अच्छा, पिंडी से जो लगी थी, पिंडी में तरलाई थे जो चौधरी साखी साहब के नाम। तो वाह, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, लगा दी है तो उड़ेगी, क्या मसला है। कहते हैं लोग कहते हैं उधर ठंड है, मरी का लक है ये वो। मैंने कहा यार लग गई है बस उठेगी, खैर है। आपने कौन सी छत दी थी? हमने अपनी घर वाली आपकी यही थी, उनकी तरलाई की थी, उनकी तरलाई थी। उन्होंने तो मारी थी घर, जो अभी तो हम इधर मैरिज हॉल में अभी घर में थे, वो छोटा सा खुड्डा था, छोटा सा खुड्डा था, 30-40 कबूतर रखे थे उसने उड़ाई थी वो छत। आपको नहीं देखी हुई, आपको दिखाएंगे अभी शायद जाए तो दिखाते हैं। तो उधर से लग गई फिर वो फोर कामयाबियों का सिलसिला सियालकोट में हमारा काफ़ी था। और साथ से हम जीते थे, हम जो साहब से हमारा बहुत अच्छा शौक हुआ, 7-8 साल होता रहे, अच्छे खिलाड़ी थे, मर गए अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। तो हर बाजी मतलब मैंने उनसे जीती, पहली बाजी जब लगी थी मेरे पास 3 कबूतर रह गए हुए थे। अच्छा, तो वो तीनों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दे दी। तो आगे फिर वो कोशिश करते रहे जीतने की, मुकाबला सख्त होता था मगर उनको जीत नहीं सके वो बैड लक समझ लें बस, नहीं उनके नसीब में थे, नहीं हम 7-8 साल जीते रहे। और भी लोगों से बातियाँ काफ़ी थी, जीते रहे हैं, मतलब 99% जो था ना रिजल्ट रहे हमारा। सर जी, पंजाब के टूर्नामेंट्स में जो है आपकी पोजीशंस कब से स्टार्ट हुई, और पहला टूर्नामेंट आपने पूरे पंजाब का जो ऑल पंजाब कैसे विन किया था, कब की बात है? 2000 मतलब हमारा तो शुरू से ही था ना बैनल ड्राइव मुकाबले कराने जी, तो इतना हमारा पंजाब में नहीं हो सकी कामयाबी, तो नहीं हो सकी। हम ऑर्गेनाइज जरूर करते रहे हैं। पहला कब आपने करवाया? हाँ जी, पहले हम गुजरांवाला सियालकोट इस तरह 2-3 शहर किया, फिर हमने आस्ता आस्ता सारा निकाला। ये आज जो कप हो रहे हैं ये उन्हीं का नतीजा है, इनको शहरों से निकाल के पंजाब लेवल पे ले गए, क्योंकि शौक जो है ना इनका महदूद नहीं होना चाहिए एक मोहल्ले में एक शहर में। खैर मौसम के प्रॉब्लम तो हैं, नसीब होता है बंदे का, कहीं मौसम ठीक रह जाता है कहीं वो एक जो है ना वो एक मसला है दूर दूर के शहरों का। मगर हमारी जो पट्टी है ना ज़्यादा जो पिंडी इस्लामाबाद से लेके सियालकोट तक ये एक ही सिस्टम है, जब इधर बादल चलने हैं ना तो सारों की तरफ चलते हैं, उधर से चलने शुरू होते हैं, इधर आते 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 रहते हैं, ये एक मतलब उनकी सड़क है। सर जी, बखीत साहब से जिस वक्त आप शागिर्द हो उस वक्त से ही ताल्लुक है या ताल्लुक बाद में बना था? नहीं, पहले से ही, जब इधर आ गए हमारे साथ के शागिर्द हुए थे, मैं भी उस कट में गया था उस टाइम, बड़े मतलब पीक में पार्टी जो हमारे बड़े रूज में थी उस टाइम। बखीत साहब पहले शागिर्द हुए थे कि आप पहले हुए थे? मैं पहले हुआ था। अच्छा, वो बाद में होते सही सही वो आए थे, फिर वो काफ़ी बड़ा फंक्शन भी अरेंज किया था सियालकोट में ही आके, फिर शागिर्द हुए थे। तो फिर आता था वो चलता रहा काम, फिर वो उन्होंने बिजनेस में अपना वो थोड़ा मसरूफ ज़्यादा रहते थे, मैं शौक में उन्होंने बड़ा टाइम दिया है, चाहे वो उन्होंने अपना अमली तौर पर जो कामयाबियाँ करो बिजनेस में या अपने सर्विस में की हैं उतनी ही उन्होंने कबूतरों में भी की है। उन्होंने नस्लें जो बनाई हुई हैं उनके बहुत अला क्वालिटी है कभी कबूतर है बिल्कुल। अगर हम नस्लों की उनको पर टैब नहीं उनको इतना मिला कि वो प्रॉपर जो शो कर सकते,
अपनी ड्यूटियों की वजह से, मगर अभी उनके पास जो कबूतर है ना, मतलब देख देख के लायक हैं, जो उन्होंने बना लिए हुए हैं, जो उन्होंने रखे हुए हैं। फकीर गुल जिनको उन्होंने नाम, फकीर गुल भी है और उनके पास दूसरे साल कोटी भी है, दूसरे भी सारे उन्होंने मेनटेन करके ना फकीर गुलों से वो ज़्यादा प्यार करते हैं, बाकी भी सारी नस्लें उनके पास मौजूद हैं। बिल्कुल सही, हमारे वाले भी मौजूद हैं, मतलब अगर वो अपने कबूतर जिधर भी छोड़ेंगे ना तो उनका आदमी रिजल्ट जो है ना वो इंशाल्लाह शाम तक आता है। अमूमन मैंने देखे भी हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर उस्ताद मोहतरम के कबूतर जो हैं वो रिजल्ट दे भी रहे हैं, फैसलाबाद में हाफिज़ फुरकान की छत वहाँ सारी जगह पे हमारे पास भी उठते हैं, हर जगह पे अभी वो उनका तूक है, वो उसको अभी शौक थोड़ा आया है, अभी वो थोड़ा उड़ाने वाला चक्कर में है, तो उड़ाएगा इंशाल्लाह थोड़े अगले सालों में ना उसके अच्छे मतलब रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर जी, ब्रीड्स की तरफ अगर जाएं, जैसे आपने उस्ताद प्रोफेसर बखीत साहब का जिक्र किया, इसी तरह जब आपका मुकाबले तरलाई में या दुबई में या इन इलाकों में हुए तो आपने पहले कौन से कबूतर उड़ाए और अभी तक कौन से कबूतर तैयार किए? पहले वही हमारा यही कबूतर है, हमें जब गए ना वो भाई साहब ने हमें भेजा सही साहब की छत पे, सही उधर असल कबूतर जो है ना फकीर गोल उनके पास थे, उसके बाद में फिर उनके पास एक बूढ़ा सा कबूतर था फकीर गोल, वो इतना मतलब उनका यकीन था कि ये कबूतर मर जाएगा मगर आगे पैरों में बैठेगा अपने मालक, मतलब इतना वफादार था, इतनी इनकी वापसी है। उसी दौरान जब वादी लगी उनके पास थोड़े फकीर गुल कबूतर थे, उनको उनमें दो मादियाँ उड़ी हैं फकीर गुल, जिन्होंने 7:19 का टाइम उधर 5:06 दिता उड़ान में, 7:19 पे बैठी, मतलब ये है कि ये नहीं है कि टैडी कबूतर उधर या रफे आखर है, दूसरी नस्लें भी उनसे बराबर उड़ती हैं और उनसे ज़्यादा भी उड़ती हैं। उधर असल में ये मैं थोड़ा इलम की बात लोगों को बताने लगा हूँ कि उधर थोड़ा ना आपस में जो लगा लगा के ना वो उतना रिजल्ट नहीं दे रहे, जब तक आप पल्ला बड़ा नहीं करेंगे ना उधर, हवा उधर होती है बहुत, हवाएँ बहुत चलती हैं, मौसम अपसेट होता है, नमी तो होती है, वो तो जान भी नीचे जो है ना वो ऑक्सीजन कम हो जाती है समुंदर की वजह से, जो कबूतर 12-1 बजे तक नज़र आएगा ना उसका तो ऐसा होता है जैसे जान निकलने वाली है। अच्छा, जो कबूतर उसके बाद निकलेंगे 1-2 बजे सामान से, उसको उनको टेंशन नहीं होती, वो आराम से आते हैं सुकून से, 11-12-1 बजे तक जो है ना मौसम का उधर बहुत ख़तरनाक होता है, जो कबूतर नीचे रह गया वो बहुत तलख हो जाता है, वो संभाला ही नहीं, उसको बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो वहाँ में ज़्यादा थोड़ा पावरफुल शोल्डर चाहिए। शर्मीले कबूतर जो है उनका भी काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं। हाँ जी, तो ये आपने डायरेक्ट अपने आप उड़ाने शुरू किए थे या जिस वक्त में आप बाजियां या 1-to-1 मुकाबले ये जीते और आपका नाम बाहर तक गया तो ये बने उसके बाद बने? पहले ही बने। जब हमने सियालकोट तो शौक करना शुरू किया था ना उस टाइम एक जोड़ा था। अच्छा, इसकी आगे औलाद है, एक जोड़े से चलते उससे चलते आ रहे हैं, उससे के साथ आगे कोई टच किया है तो और अच्छे हो गए, मतलब ये खालस उड़े हैं शाम तक बच्चे भी, जो मैं अमजद साहब की बात कर रहा हूँ उनका पहला बाजी जो थी वो बच्चा ही जीत के उनको बैठा। सर जी, आप कितने अरसे बाद उस्ताद हुए थे शागिर्द? माँ ने कोई शागिर्द ही मतलब 12-14 साल शागिर्द पे रहा, 12-14 साल शागिर्द रहे हैं, कभी आपने कहा नहीं उस्ताद? मैंने कभी भी उस्ताद साहब को नहीं कहा कि मुझे उस्ताद बनाए, उनको पता था यह शौक करता है बाजिया बुजिया भी खेलता, फिर उन्होंने इकट्ठ हुआ था ग्रैंड सियालकोट में, उन्होंने कहा आप भी आए आपको भी उस्ताद बनाना। तो आजकल के उस्तादी शागिर्दी पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि ये फौरी तौर पे शागिर्द करके उस्ताद कर देना और इस तरह ये भी एक ज़रे कातली बना हुआ है, ये हम लोगों ने ना हमारी लोगों की गलतियाँ हैं, उस्ताद लोगों की गलतियाँ हैं जो ना घर बैठे किसी उस्ताद बना देते हैं, जो पहले हमारे वक्तों में था ना जी, जी पहले सारे महल लोग उस्ताद बैठते थे आपस में, उनकी आपस में मीटिंग होती थी कि हाँ भाई आपका शागिर्द कौन सा लायक है, आपका कौन सा शागिर्द है जो कहाँ, मतलब वो आप उनकी बातियाँ जो लगाते थे उनको पता था ये छत अच्छी है ये छत है, उनको फिर जो कामयाब होता था या अच्छी छत थी
था अच्छा संभालने वाला था, उसको उस्ताद बनाते थे। यानी कि वो भी अरसा दराज में देख अरसा के देख के मतलब चेक करके मतलब ये अभी पढ़ गया है मतलब इसने पढ़ा ही नहीं तो इसको संत कैसी देनी है, मतलब वो पढ़ा के पढ़ाई पूरी करके उसको पूरा करके, क्योंकि उनकी अपनी बेइज्जती थी कि अगर इसको उस्ताद बना देंगे कल को रिजल्ट नहीं आया तो फिर ये पार्टी की भी बेइज्जती है। उसको बनाते थे जो परफेक्शन में आ जाता था, जो समझ आता था। तो अब इसका क्या हल है? अब इसका हल यही है कि जो हमारे रीफ उस्ताद हैं, जो उस्तादी अब मतलब अब सियालकोट है जिस तरह पुराना रिवाज था उस तरह होना चाहिए। हर उस्ताद की मीटिंग आपस में होनी चाहिए, मतलब हम एक दूसरे से डिस्कस करें, बैठे महीने दो चार महीने बाद तीन महीने बाद के ये हमारे यार ये शिकंद हैं तो ये अच्छी छतें हैं, ये कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं, तो इनको हमको चाहिए कि उस्ताद इनको उस्ताद बनाना चाहिए। फिर वो मुहालफों से भी मशवरा करके आपस में जना फिर जब बनाएंगे ना तो फिर वो कबूतरबाजी और ज़्यादा मजबूत होगी और इज्जत राम भी होगा। ऐसे ही अच्छा सर जी, ये आपके इस वक्त जो है ना दुनिया भर में शागिर्द हैं, कोई अरबी है तो आपके शागिर्द हैं, तो कोई पाकिस्तानी है तो आपके शागिर्द हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बहुत सी जगह पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना हर जगह पे कबूतर, हमने एक टाइम अपनी लाइफ इसी काम में दे दी। बिल्कुल ऐसे, और इसी की वजह से ना चार बंदे को प्यार करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उस्ताद को जैसे कि एक बाप को अपनी सारी औलाद से प्यार होता है, इसी तरह एक उस्ताद को अपने हर शागिर्द से प्यार होता है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन एक शागिर्द या एक औलाद में से एक नगीना ऐसा होता है जो आपको लगता है कि यार ये अभी तक जिस तरह से चल रहा है तो ये तकरीबन मेरी तरह चल रहा है और आगे जाके मेरी तरह से ना, तो ऐसा कोई शागिर्द अभी तक आपके ज़हन में? शागिर्द जो है ना वो माशाल्लाह सारे बार जो सीखने की जुस्तजू किसी किसी को है। जी जी प्यार हम तो दिल से प्यार करते हैं, जो हमसे प्यार करता है हम भी उससे प्यार करते हैं। सीखने के जो किसी किसी को जो मेरे साथ रहे हैं ना दो दो साल या मेरे साथ, उन्होंने को थोड़ा बहुत मतलब कबूतरों को संभालते हैं टाइम, तो वो सीख गए, वो आज उनका अल्लाह ने नाम भी बनाया हुआ है, कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। बिल्कुल ऐसी तो वो मुख्तलिफ अभी नाम क्या लेंगे वो पता ही है आपको कौन कौन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही अच्छे हैं, और जो इज्जत दिल से एहतराम करेगा उसको कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से मिलनी है, क्योंकि दिल से दुआ बाप की जो होती है ना, बाप उस्ताद बाप एक ही बराबर है, और बाप की और उस्ताद की दुआ जो है ना शिगिर्द के लिए या बेटे के लिए वो कभी रद्द नहीं हो सकती। बेशक ऐसी क्योंकि उन्होंने चलना सिखाया होता है, उन्होंने उसकी अच्छे बुरे छोटे सारे काम किए होते हैं, तो रब उनकी माँ से ज़्यादा दुआ बाप की लगती है। और ये एक मिसाल भी देने लगा हूँ मैं, अंकल साहब से हमारी पहली बाजी लगी तो यकीन करें मैंने वो जो जीती थी ना वो वाला साहब की दुआ हुई तो मैंने जीती। अच्छा 5-2 का मुकाबला है, 5 अंकल साहब जीत गए हैं, 2 हमने जीती हुई, हमने अब 4 जीतनी, उन्होंने 1 जीतनी। मैं थोड़ा ऐसे ही घूम रहा हूँ घर में, परेशानी थोड़ा उन्होंने यार क्या हो रहा है हम हार चले हैं, तो मेरे वाला साहब ने देखा यार थोड़ा परेशान लग रहा है, उन्होंने कई तरह मेरे पास बैठ, उन्होंने ऐसे मोंडे थपड़ा दिया जैसे थपकी देते हैं, जाओ नहीं हारते तुम, मतलब तुम नहीं हारते, दुआ दे दी, हिम्मत तो आई थी पर दुआ दे दी कि तुम नहीं आते, तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों मारी हम स्टेट जीते, स्टेट एक कबूतर से। अच्छा ये भी नहीं, हमारे पास कबूतर भी नहीं है, 3 कबूतर है, 2 के पार थोड़े बहुत ऐसे थे, एक पट्टा बीमार, वही जो शर्मीलों का पहली जो परफॉर्म से है ना वो उस पट्टे ने फिर आखिरी 11वीं बाजी अकेले ने 4 बज के कुछ मिनटों में बैठ के आखिरी बाजी जीती थी, उस टाइम बाजवा साहब उसके कबूतर उड़ा रहे थे हमजद साहब के, उनके पौने 2 बजे में। बल्कि यही कहने लगा था कि यादगार मुकाबले आपके, ये बड़ा जो है आपने मुकाबला बताया बहुत यादगार मुकाबला, पहला मुकाबला था हमारा सियालकोट में, ये हमारे लिए एक आम मुकाबला था, मतलब पूरे शहर की पूरे जिले की नजरें ना इस मुकाबले पे थी, क्योंकि हमने बड़े साल लगाए थे ना उनको बाजी लगाने के लिए कि हमसे खेलें, तो वो फिर एक आम मतलब पहला मुकाबला होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन, वो पहला मुकाबला था, फिर अल्लाह ने कामयाबी दी, फिर
चलता चलता रहा काम। फिर अभी आपके साथ मुकाबले करने के लिए काफी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपसे मुकाबला हो, हाँ जी, और कई ऐसे लोग हैं जिनसे आपके मुकाबले हो चुके हैं, हाँ जी। कहीं पे अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी, कहीं पे अल्लाह पाक ने उन्हें इज्जत दी, क्योंकि गेम है, गेम होता है, चलता रहता है। लेकिन एक कंपेटिटर ऐसा होता है जो ज़हन पे सवार हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, चाहे उससे मुकाबला चल रहा है चाहे अब नहीं चल रहा। बेहतरीन कंपेटिटर, बेहतरीन मुखालिफ आपने किसको पाया कि जिसके साथ बहुत अच्छे मुकाबले हो, चाहे जीते हो चाहे हारे हो, वो नहीं, लेकिन आपको कौन लगता है कि ये हमारा बड़ा मजबूत कंपेटिटर रहा है और इसके साथ हमारा मुकाबला बड़ा जबरदस्त रहा? मजबूत जो होता है ना, हमारे अमजद साहब का भी सियालकोट की हद तक तो अमजद साहब का नाम है, जिन्होंने एक सीजन भी मतलब मिस नहीं किया, मतलब लगाते रहे, हार जीत होती रही। उसके बाद जो है ना, उन्होंने टारगेट रखा हुआ था चौरी सखी साहब को, उनके साथ हमने खेलना या उनके साथ लगाने, बोले आपका जिक्र भी किया है कि जी, उनके मैच करते थे फिरतों को अपनी और उनकी। चलो यार, हम उस टाइम लगे वो बड़े थे, हम तो मतलब सोचते भी नहीं थे ना उधर जाएंगे या क्या करेंगे, मगर हमारा जेन था कि वो टारगेट अचीव करना है हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह एक कर भी लिया। वो कुदरती सगी साहब ने किधर शो करना था, वो चौधरी निसार थे अमरीका में, उनको थोड़ा आया था कि वहाँ मंजरा लगाएँ चौधरी साहब ये वो, उन्होंने फिर चौरी सभी साहब को बाजी में धकेल दिया। अच्छा, चौरी सभी साहब ने खुद नहीं आना था, उनके बंदों ने सर में उनको धकेला बीच में। इनके आपके यादगार मुकाबले चौरी सभी साहब के साथ वो है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो शोहरत मिली थी, जो तरलाई वाली बाजी से शुरू हुई थी, उधर से फिर सारे, क्योंकि अरब मालिक में चौरी सभी साहब का एक नाम था, उड़ाते भी थे, गए भी हुए थे, हम तो गए नहीं थे ना, तो फिर जब हम इधर से उनसे जीते ना, फिर वो सारे एशिया में ना थोड़ा ज्यादा नाम पता लगा के वो फलाना वलाना। जाती तौर पे कौन सा आपको लगता है कि मुखालिफ बहुत आदत का इस हिसाब से बड़ा अच्छा है? चौधरी सही साहब भी आदत के बहुत अच्छे हैं, चौधरी अपना अकबर खान साहब भी आदत के बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस मतलब लोग हैं ये। बाकी भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, सियालकोट में भी हमारे जो है आशिफ हुसैन हैं, बीना वाले हैं, शेहती साहब हैं, सारे माशाल्लाह इज्जत करने वाले लोग अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, गुजरांवाला में हैं तो बाजवा साहब भी माशाल्लाह तो भी इज्जत मतलब अच्छा, वो भी अखलाक जो है ना उनका भी बहुत अच्छा है। और ये गुजरांवाले के वाले से अभी बात होने लगी है, तो मैं दोनों ग्रुपों से गुजारिश करूँगा थोड़ी आपस में थोड़ा जो सख्त वाला ले जाए इसको ख़त्म करें, शौक की बढ़ोतरी के लिए उस्ताद मुस्तफ़ा साहब और माया साहब और चौधरी शीर साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि आपस में थोड़ा मैं बैच अप करके थोड़ा शौक को बढ़ाए, ये बैन वगैरह या निकाल देना ये कोई शौक बढ़ाने का हल नहीं है, या किसी को नीचा दिखाना या कोई मतलब कोई जुर्म करता है उसको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे, ये नहीं है कि जुर्म जो करे उसको सजा नहीं हो, जो लाजमी दें उसको सजा ताकि शौक की बेहतरी हो। अगर कोई थोड़ी बहुत आपस में कोई जाति कोई या दूसरी तीसरी या किसी के बोलने की वजह से कोई थोड़ा बहुत किसी को कोई है तो वो नहीं होना चाहिए। मैं माहियों बार साहब अच्छे इंसान हैं, अच्छे अखलाक वाले बंदे हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा, उस्ताद मुस्तफ़ा से भी करूँगा, आपस में थोड़ा बैठ के अपने जगह अगर कोई इख्तलाफ है तो कोई नहीं हल हो जाता है। ये तो कोई मेरे साथ किया 7 साल इन्होंने, क्या फ़ायदा हुआ शौक को सियालकोट में या पूरे पंजाब ने, जो बाइकाट करते हैं ये करते हैं वो करते हैं, क्या हुआ आखिर? सब फिर खेल रहे हैं, क्या हो रहा है फिर खेल रहे हैं, तो फिर बंद करने की ज़रूरत क्या है? बंद करोगे तो तलखियाँ बताने की, जो एक शौक है, हम साल भर कितना खर्चा कर रहे हैं, 5 बंदे रखे हुए हैं, कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, 2-3 लाख रुपए का खर्चा है हमारा एक महीने में, तो लड़ने के लिए करना है। किससे लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? हमारे भाई हैं सब, मुस्ताद मुस्तफा हमारा भाई, मायूं हमारा भाई, आजम पर हमारा भाई, उसके बेटे जो है आगे हमको अपने बाप की नज़र से देखते हैं,
मतलब इज्जत राम करते हैं। पूरा गुजरावाला जो है वो सब इज्जत राम करता है, इज्जत से उस्ताद भी माशाल्लाह सब अच्छे हैं। कबूतर उड़ाने में इनका भी कोई इंसानी नहीं है, मतलब पूरे इनका भी पूरे पंजाब में होल्ड है। जिधर जिधर कबूतर अच्छे उड़ेंगे और सियालकोट और सियालकोट गुजरावाले के उस्ताद का नाम जरूर होगा बीच में। ऐसी आपने चेक किया ये आपने ये इलाका घूमा है, लास्ट ये लास्ट जो दो शहर है ये आपको जिक्र जरूर आएगा बीच में कि इनके उस्तादी जो है ना ये इधर सब चल रही है। बिल्कुल ऐसी अगर पहले नंबर पे लाहौर में सियालकोट के उस्ताद के लाहौर ये नहीं है कि लाहौर में चले लाहौर वाले उधर तक मौजूद है, इधर जो है उनके साथ कबूतरों की गेम है वो वहीं रहते हैं, उधर तक मौजूद है उनको, वो अपने शहर में बेहतर है। आगे जो कुचनाले से लेकर इस्लामाबाद तक जो ना जो ये दोनों शहरों का होल्ड है, गुजरात में भी माशाल्लाह अच्छा शो करा रहे हैं फरहान मोटर वाले बहु नासर साहब नाइस शख्सियत है मतलब, और उन्होंने शौक जो गुजरात कभी शौक नहीं था कुछ भी नहीं था ऐसे ही था, जब से फरहान वाला कप शुरू हुआ और गुजरात की कबूतरबाजी में एक इम्प्रूवमेंट आई और एक गुजरात का नाम उठा और गुजरात का भी माशाल्लाह बड़े नामों में अभी उन्होंने जिलाई तौर पे भी शुरू किया, तो इस बार तो कहाँ चलो नहीं रास्ते में उनकी वालदा फौत हो गई अल्लाह ताला उनके जवार रहमत में जगह दे, आगे भी उन्होंने बड़े शौक का ऐलान किया हुआ है तो अच्छा, मतलब उन्होंने शौक मतलब वो जंजलों में भी नहीं पड़ते, कोई किसी के साथ वो चपकलच भी नहीं रखते, मतलब सही शौक करवा रहे हैं ऐसी अच्छा शौक हो रहा है, मतलब वो उनको तक अच्छा शौक हो रहा है, पिपला में बड़ा अच्छा वो पिपला वाले भी अच्छे हैं, मतलब पंजाब का कप है उधर से हाँ जी हाँ जी बड़ा बहुत अच्छा शौक बढ़ गया हुआ है, आपने देखा ही है हर हर शहर में मतलब पूरे पंजाब तक कप का पाँच पाँच छः छः सात सात कप हो रहे हैं ऐसी ही है। ऐसी तीन तीन चार कप तो आपकी पार्टी से भी आपका है, पाक हीरो है, पाक इत्तेहाद सरदार इमरान साहब है, पाक हीरो सजाद असलम बड़ाई साहब है, तो तीन से चार तो पंजाब के टूर्नामेंट्स आपकी पार्टी करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फयाज दूरिया साहब का अपना शो हाँ जी हाँ जी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और वो कुछ बातें वो जो है शादी के वाले से थोड़ा बात जी जी पग वगैरह की हो रही थी उसके वाले से थोड़ा बात जिक्र करना चाहूँगा कि जब इन पार्टी का मतलब हम किसी को उस्ताद बनाते हैं तो वो उससे बड़ा होता कोई नहीं है, उस्ताद से बड़ा उस्ताद तो मतलब जब कबूतरबाजी के वाले से एक उस्तादी शिगिर्दी है वही एक शिगिर्द हो गया उस्ताद हो गया बस, इससे आगे कोई शहर में ये कुछ आपस में इकट्ठे हो गए जब हमको ये बना दें ले या ये कर दें वो कर दें मुझे फला शहर का लीडर बना दें मुझे फला शहर ये कह रहे हैं ये नहीं मतलब होना चाहिए सब आप लोग जो ठीक है आपका माहौल वहाँ कट में जाए कप उड़ता है सब आप हकदार हक रखते हैं उस्ताद हैं बोल सकते हैं बात कर पहचान है आपकी पार्टी पहचान है आप खुद से उस्ताद हैं, अगर किसी की आपस में नहीं लगती है या पार्टी के बंदों की तो वो चुप रहे एक दूसरे के खिलाफ ना बात करें बट ठीक है सही। तो आप कह रहे हैं कि कहने का मकसद आपका ये है कि जब आपको उस्ताद कर दिया तो आपकी एक अहमियत बन गई आप आपका पास होता है आप इससे बड़ा होता कोई भी नहीं है कबूतरबाजी में बिल्कुल सही, तो आपकी एक अहमियत होगी आप अपने आप को डिग्रेड खुद ना करेंगे। हमने हमने ये उदा लेने के लिए 15-20 साल उस्तादों के पीछे घूमे गर्मियों में सर्दियों में उनकी दुकानों पर बैठे हैं जाके लेने के लिए, ये तो अभी जो बने हुए हैं ये तो इन्होंने 6 महीने भी नहीं लगाए साल भी नहीं तलीम हासिल की फिर तो भी मिल गया बिल्कुल फिर भी होता मिल गया तो अब इसका वो बराबरी पे आ गए ना आपके जो जो एमए पास किया हुआ जिन्होंने डिग्री हासिल की है जिसने दो क्लासे पढ़ी है वो भी सेम सेम हो गए बिल्कुल सही हो गया मैं समझ गया आपकी बात। तो उस्ताद मोहतरम का कहना है कि जी अगर कोई उस्ताद जिसको उस्तादी मिल जाती है तो ये लास्ट जो है ओहदा है इसमें कबूतर परवरी में, इसके बाद आप आगे शागिर्द कर सकते हैं आप खुद से 1-to-1 मुकाबले तय कर सकते हैं अपने फैसले खुद से कर सकते हैं, तो लिहाजा इस पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमें लीडर बनाए, आप जो जो उस्ताद हो गए आप खुद से एक लीडर बन गए। जो मैं एक पैगाम देना चाहूँगा अपनी पार्टी के वाले से थोड़ा जो भी मुझसे सीखे हुए हैं या मुझसे पार्टी छोड़ के भी चले गए हुए हैं मेरे लिए वो इसी तरह काबिल-ए-एहतराम है
और इज्जत करना सीखें अपने बड़ों की। इख्तलाफात हो जाते हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं। ये अभी कोई मेरे शिगिर्द का कोई शिगिर्द उठ के मुझे बात कराएगा तो ये उसके लिए भी इंसल्ट है और मेरे लिए भी एक इंसल्ट का बायस है। इसलिए अगर किसी की किसी के साथ नहीं बनती, या मैं किसी को अभी टाइम नहीं दे सकता इतना, मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर कबूतरबाज से बात करता हूँ। मुझे नाराज काफ़ी लोग हो गए मुझसे इस वजह से कि ये इधर बिजी रहता हूँ मैं कबूतरबाज ही, कि मैं अपने लोगों से बात नहीं करता। उसके लिए भी मैं माजरत खाऊँ अपने बंदों से, अपने शिगिर्दों से, कि मैं उनसे पूरी उनसे बात गपशप नहीं हो सकती मेरी। तो जितनी कोशिश करता हूँ मैं उनको टाइम भी देने की, उनको बताने की। तो इंशाल्लाह थोड़ा बिजी हैं, कोई अगर लिए मिलेगा इंशाल्लाह फिर उसी तरह अल्लाह के फजल से उनसे महफिलें भी होंगी, बातें भी होंगी, बातें करेंगे। आमीन आमीन। हम भी आपके सर और साथ हैं और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। मेरे लिए मेरी पार्टी का हर बंदा मौत पर है, जिसको मैंने उस्ताद बनाया है। वो हर शहर में वो एक अपना लीडर है, वो हर शहर का बिल्कुल सही, क्योंकि वो उस्ताद है। वो हर कट में जा कर बता सकते, मैं उस्ताद में बात कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सब इतफाक से रहे, अपने पार्टियाँ इतफाक से चलती हैं, मोहब्बत से चलती हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने से चलती हैं। मेरे साथ कई कुछ करते हैं तो मैं बर्दाश्त कर, मैंने कभी जिक्र नहीं किया कि वो क्या कर गया, ये कर गया, वो कर गया। तो बर्दाश्त जो होती है ना, वो इंसान को ऊपर पे लेवल पे लेके जाती है। बिल्कुल, एक बड़ी सिफत है। तो बर्दाश्त करना सीखें, इख्तलाफ हो गया चुप कर जाए, बस बैठे हैं अब अपनी जगह अपनी जगह। बहुत शुक्रिया उस्ताद, लोगों को तमाशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है जी। नाज़रीन, तो ये थे उस्ताद चौधरी मोइन नवाज़ घुमन साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी, इनका शौक पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स में कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट कामरान अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।